facing problem, facing problem, क्या थे? कैसे define करें? Facing problem. तो सर, क्योंकि exam में जो questions आते हैं, उसमें आपको identify करना होगा. Of course है. और questions ज़्यादातर mixed problem से ही आते हैं. ठीक है, तो weak acid होना चाहिए और उसी weak acid का salt होना चाहिए strong base के साथ. Henderson equation याद है, pH is equal to pKa plus log salt upon acid. Similarly हमने basic buffer की बात की थी, weak base होना चाहिए और उसी weak base का salt होना चाहिए strong acid के साथ. Yes or no? pOH याद आ रहा है, pKb plus log salt upon base. फिर आपको बताया था pH range of any buffer solution. कुछ नहीं, plus minus one याद है, वो ratio हम अपने हिसाब से adjust करते हैं और फिर हम उस solution को buffer कहते हैं. अगर बहुत ज़्यादा change होगा pH में तो फिर उस solution को हम buffer नहीं बोलेंगे. Yes or no? Yes sir. बोलिए. फिर हमने एक वो condition भी देखा था, maximum buffer action, जहाँ पे थोड़ा सा भी variation नहीं हो. याद आ रहा है, उसके लिए रेशियो क्या लेना होता है? 1:1. ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, आपको ध्यान रखना हो जाएगा. फिर हमने देखा था बफर कैपेसिटी. बफर कैपेसिटी क्या था? मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ एनी बफर सॉल्यूशन टू चेंज इट्स पीएच बाय 1 यूनिट. जितना ज्यादा होगा बफर कैपेसिटी, वो उतना इफेक्टिव बफर होगा. क्योंकि बफर कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब added moles ज़्यादा for change in pH by 1 unit. Yes or no? Then उसमें buffer बने रहने की ability ज़्यादा. और अगर ability ज़्यादा है तो वो effective buffer होगा. Yes or no? ये सब point ध्यान रखना है. Questions लिखते हैं, लिखिएगा. अब exam में देखो कैसे questions आते हैं. पढ़ना एक बात है और उसको apply करना एक बात है. अभी तो बोर्ड में सर 90% आ गया, नीट में पता ही नहीं चला क्या पूछ रहा है. क्योंकि नीट में वो ये नहीं पूछेगा व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, वो तो सब जानते हैं, वो उसके एप्लीकेशन पूछेगा. ये फर्क होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड से. हाँ, कुछ बच्चे जो उसको बैलेंस कराते हैं वो बोर्ड के साथ ही निकल जाते. चलिए देखना क्वेश्चन लिखिएगा. इन अ बफर सॉल्यूशन, इन अ बफर सॉल्यूशन, इन अ बफर सॉल्यूशन रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन, इन अ बफर सॉल्यूशन रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ NH4Cl, ऑफ NH4Cl and NH4OH, NH4OH is 1:1. Ratio कितना है? 1:1. When it changes in 2:1. तो वो रेशियो बदल गया. When it changes in 2:1, value of pH of buffer, value of pH of buffer, option है increase, दूसरा option है decrease, and option है increase, दूसरा है decrease, तीसरा है नो इफेक्ट और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीस. क्वेश्चन आ रहे हैं समझ में? इसको हम कर रहे समझिएगा. पहले ये बताओ किस टाइप का बफर होगा? एसिडिक की बफर. तो एसिडिक की बेस बेसिक होगा, क्यों? क्योंकि वीक बेस है और उसका सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ.
मतलब ये बेसिक पावर है। अब बेसिक पावर के लिए जो हेंडरसन इक्वेशन आप पढ़े हैं उसको पीएच नहीं पीओएच फाइंड करते हैं, कोई बात नहीं पीओएच से पीएच में हम जा सकते हैं क्योंकि दोनों का सब कितना याद आ रहा है। हाँ टेम्परेचर वही 25 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए क्या लिखें। अच्छा ये जो रेशियो दिया है 1:2:1 ये सॉल्ट टू एसिड है कि एसिड टू सॉल्ट है? देखो पहले क्या लिखा है, पहले इमेज फॉर सीएल लिखा है क्या सॉल्ट, और बाद में किसको लिखा है एग्जाम में ये देखना है कि पहले क्या लिखा है, मतलब ये सॉल्ट टू एसिड ठीक है, सॉल्ट टू एसिड यस और नो, सॉल्ट टू बेस, सॉल्ट टू बेस याद रखिए। अब तो रिलेशन क्या है, तो POH this is equal to PA to P plus log concentration of salt upon concentration of base, yes or no? Yes sir। सकते हो बुझाएगा बताइए शुरू में रेशियो क्या है, सॉल्ट इज टू बेस कितना है 1:1 मतलब ये log 1 और log 1 मतलब ये टर्म 0, तो POH किसके इक्वल, तो POH दिस इज इक्वल टू PKa, क्वेश्चन में PKa भी नहीं दिया कोई बात नहीं सही रखते हैं, लेकिन हमें तो pH चाहिए, तो दोनों का सम क्या होता है 14, तो pH क्या होगा दिस इज इक्वल टू 14 माइनस PK, ये होगा कि नहीं, ये सब में आया नहीं, pH plus POH बराबर 14, POH की जगह क्या लिख दिया PKb, तो pH कितना 14 माइनस PK, ये तो तब है जब रेशियो 1:1 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो बदल गया और क्या हो गया 2:1 सॉल्ट टू बेस है ना, सॉल्ट टू हमें चाहिए भी सॉल्ट टू बेस, तो अब ये log 2 बन जाएगा बनेगा कि नहीं, अब POH कितना होगा, POH बोलूं या POH डैश, ये क्या होगा PKb, ये तो नहीं बदलेगा करो, ये तो तब बदलता है जब टेम्परेचर बदलता है, क्वेश्चन में टेम्परेचर तो मेंशन है नहीं, तो PKb प्लस क्या होगा log 2 कितना 0.3 याद आ रहा है यस। अब आप बताओ यहां से pH आ जाएगा pH या pH डैश, pH dash क्या होगा 14 minus POH dash, तो ये 14 minus ये कितना PKb plus 0.0 बोलो होगा 14 minus, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से ये बाहर आएगा तो 14 minus PKb माइनस 0.0 तो इस पर तो पीएच लिख सकते हैं क्या बोलो, ये कितना हो गया पीएच माइनस, अब तो जो नया पीएच है वो कब आ रहा है जब पुराने पीएच में से कुछ सबट्रैक्ट हो रहा है, यानी नया पीएच क्या हुआ लेस घट गया नहीं आ गया, वो वर्ड्स में पूछ रहे हैं आपसे इंक्रीज डिक्रीज इस टाइप से, तो नया पीएच क्या होगा पुराना पीएच माइनस सम, तो नया पीएच कम हो जाएगा आंसर क्या जाएगा, फॉर्मूला पढ़ना है एक बात है उसको अप्लाई करना है, ये एप्लीकेशन में क्लियर है ये पॉइंट। हाँ ठीक है ज्यादा पीछे हो गया, एक्चुअली केमिस्ट्री का सिलेबस भी साथ है,
दोष टीचर का नहीं है, सब्जेक्ट का ही, क्योंकि इसमें तीन तीन पार्ट है और तीनों बहुत ज्यादा है। बायो ज्यादा है, बायो, हाँ बायो, बायो में बॉटनी जूलॉजी के नाम के दो लोग होते हैं, यहाँ भी होते हैं बट ये लोग यहाँ अरे हो जाएगा, हो गया। चलिए अभी का मैंने काम आए तो पढ़ लेंगे, बढ़िया इधर एग्जाम में दिखते हाँ। कुछ लोग पता है नवंबर दिसंबर में बहुत पढ़ते हैं, फिर अरे अब तो अब फिर वो उनका पेपर पूरा हो जाता है, जो लोग अभी तीन चार महीने जो आपका है इसमें अच्छे से पढ़ लिए तो काम हो जाएगा। बिठा दें फॉर्म भर दिया आप लोगों ने? यस सर। सब लोगों ने? यस सर। अभी कोई ऐसा जो नहीं भरा है तो वेट क्या कर रहे हो, भर दीजिए ML, 50 ml 0.05 m, m मतलब molarity, m HCOOH formic acid, 50 ml 0.05 m formic acid, 50 ml 0.05 m formic acid. How much volume of 0.10 m HCOONA sodium formate must be added to get a buffer solution, to get a buffer solution of pH equal to 4. उन्होंने ब्रैकेट में pKa दिया है एसिड का, pKa of is, और ये उन्होंने मेंशन किया है 3.8, तो जो ऑप्शंस हैं वो हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? पहला है 50 ml, दूसरा ऑप्शन दिया है 4 ml, तीसरा ऑप्शन है 39.6 ml और चौथा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन दिया है 100 ml। अब ऑप्शन देख के लग रहा है कि तीसरा बाकी से अलग है, नहीं 39.6 वही आंसर होगा। एग्जाम में ऐसा करते हम लोग, ये बड़ा अलग लग रहा है सबसे, यही होगा। करेंगे अब देखो इस क्वेश्चन को समझिएगा, करेंगे क्या कोशिश की थी, पहले पहचानो टाइप ऑफ बफर, पहला तो यही स्टेप एसिड ही बफर है ना, वीक एसिड और उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ये एसिड ही बफर, पिछला क्वेश्चन बेसिक बफर रिलेशन लिखी है, सोचिए क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है शायद।
एमएस पढ़ो क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है वो देखिए। रिलेशन तो सब लोग लिखे होंगे कौन सा एंडरसन इक्वेशन कवर के लिए वही रिलेशन पी एच दिस इज इक्वल टू पी ए ए प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड और एसिड होगा से क्या पूछ रहे हैं वॉल्यूम किसका वॉल्यूम पूछ रहे हैं किसका वॉल्यूम पूछ रहे हैं सॉल्ट का लैंग्वेज पढ़िए हाउ मच वॉल्यूम ऑफ हाँ सॉल्ट का वॉल्यूम पूछ रहे हैं आप बताओ कंसेंट्रेशन है ना ये क्या कंसेंट्रेशन है वॉल्यूम चिपा आपका कंसेंट्रेशन वॉल्स अपॉन वॉल्यूम Yes or no? Yes, उसी वॉल्यूम की बात हुई अब सुनिएगा ध्यान से ये क्या है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या होगा मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम आप बताइए पीएच किसका है बफर सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम भी किसका होगा यहाँ बफर सॉल्यूशन का आप बताओ बफर सॉल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्ट के लिए और एसिड के लिए तो सेम ही होगा क्योंकि दोनों सेम सॉल्यूशन में ऐसा नो इसका मोल्स अपॉन वॉल्यूम करेंगे और इसका मोल्स अपॉन वॉल्यूम दोनों वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा कैंसिल तो आपसे वो कौन सा वॉल्यूम पूछ रहा है अकेले सॉल्ट का वॉल्यूम अब अकेले सॉल्ट का वॉल्यूम कैसे आएगा तो आप बाहर से सॉल्ट ऐड कर रहे होगे ना अरे बोलो आपको तो मोलारिटी दिया है सॉल्ट का मोलारिटी दिया है मोलारिटी मोल्स और वॉल्यूम में कोई रिलेशन है हाँ सर याद आ रहा है मोल्स बटा वॉल्यूम तो वॉल्यूम वॉल्यूम तो कैंसिल मोल्स बचा है ना तो मोल्स कैसे आएगा मोलारिटी इनटू वॉल्यूम याद आया और मोलारिटी दिया है उसने सॉल्ट का वॉल्यूम आपसे पूछ रहे ऊपर क्या आएगा मोलारिटी इनटू वी नीचे क्या आएगा मोलारिटी इनटू वी वो भी शायद दिया है उन्होंने एसिड का भी एसिड का दिया है आ जाएगा कितना है पीएच सॉल्यूशन का पीएच कितना है 4 पीके कितना है 3.8 प्लस क्या लिखेंगे लॉग और यहां क्या लिखेंगे मोल्स लिखेंगे वॉल्यूम तो कैंसिल हो गया मोल्स क्या होगा मोलारिटी सॉल्ट की मोलारिटी कितनी 0.1 दिया है 0.1 into V मान लें वॉल्यूम मान लें सॉल्ट का और नीचे क्या होगा एसिड का कितना है मोलारिटी 0.05 into वॉल्यूम कितना दिया है अब आप बताओ इसमें एक V अननोन है ना एक V पता है अच्छा वो कौन सा V कैंसिल हुआ बफर सॉल्यूशन हम कह रहे हैं यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन है ये होगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम तो वो कौन सा वॉल्यूम बफर सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्योंकि पीएच किसका बता रहे हैं बफर सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी बफर सॉल्यूशन का ही अप्लाई करें वो वॉल्यूम तो कैसे तो ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जो रेशियो कंसेंट्रेशन का वही रेशियो मोल्स का क्योंकि वॉल्यूम तो कैंसिल हो गया अब इसका मोल्स कैसे आएगा तो इसकी मोलैरिटी इनटू इसका वॉल्यूम इसका मोल्स कैसे आएगा इसकी मोलारिटी इनटू इसका वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया है इसका वॉल्यूम 50 और इसका अब ये लॉग का क्वेश्चन हो गया सॉल्व करना पड़ेगा करेंगे करके बताइए कितना आ रहा है v का वैल्यू और v किस में आएगा ml में ml में पुट किए अरे नीचे ml पुट किया तो लीटर में आ जाएगा क्या सॉल्व करेंगे आप लोग कि हम करेंगे करिए ना
ये कितना है सॉल्व करके, ये ऊपर 100 चला जाएगा, नीचे 10, ऊपर 10 बचेगा नहीं, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना 5 और ये तो v बटा 25, v अपॉन 20 का भार है, इसको क्या अच्छा 3.8 उधर जाएगा, तो 4 माइनस 3.8 कितना 0.2, this is equal to कितना log v upon 25, ये कैसे सॉल्व होगा, तो log v minus log 25, सर हम नहीं जानते हैं log 25 का वैल्यू, अरे log 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा 0.2, this is equal to log v minus log 5 का स्क्वायर, 2 log 5 कितने दे रहे हैं, ये क्या होगा माइनस 2 log, अब ये log 5 कितना होता है, वो याद कराया था 0.70 into 2 1.4, यहाँ से क्या लिखे और ये 1.4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1.6, तो log v कितना, log v कितना 1. अब इतना निकाल के बैठे रहेंगे कैसे, नहीं अब क्या करते हैं एंटी log v क्या आएगा, v is equal to एंटी log क्या 1.6, अब ये कैसे आता है, इसको लिखते हैं 10 to the power 1.6, याद आ रहा है एंटी log में जो भी होता है उसकी पावर में जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं 10 to the power 1 into 10 to the power 0.6, और मेरे हिसाब से 4 है, 10 to the power 0.6 क्या है 4 है, याद आ रहा है, इसको क्या लिखेंगे 4 into 10, 10 का पावर 1 है ना, 2 10 हुआ और ये 4 है तो 4 गुना 10, अच्छा सर 4 into 10 तो 40 होता है, 4 into 10 to the power 1 कुछ और होता है, वो भी क्या होगा, आप बोल रहे सर ऑप्शन में तो नहीं है कोई 39.6 है, आप बोल रहे सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप बताओ log का जो वैल्यू है वो हमें अप्रॉक्स वैल्यू याद किया, तो अभी जो आंसर है वो एग्जैक्ट दिया है, हमने बोला था आपका आंसर आसपास ही रहेगा, ये कितना है सॉल्व करके 40 आ रहा है, बट आपको पता है आंसर विल बी 39.6, और वॉल्यूम किस में आएगा, एम में, ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 40 एम में, बोलो ये आ गया, ऑप्शन एक उसमें है 39.6, वो भी आ जाएगा अगर हम लॉग का एग्जैक्ट वैल्यू रखें, तो ऑप्शन दूर दूर है ना, अच्छा सर आप सही बोल रहे थे, वो थोड़ा अलग था और वही आंसर है, इतना करने की जरूरत नहीं, इसी को ठीक करके आगे बढ़ेंगे, ये चीजें होती हैं, मेरा एक फ्रेंड सीपीएमटी पहले होता था ना यूपी का, तो उसमें क्या नेगेटिव नहीं होता पहले है ना, तो वो और कट ऑफ बहुत हाई था, 200 क्वेश्चंस होते थे तो 160 170 आएगा कभी कोई चांस ये मिले, तो वो कह रहा क्या कि लास्ट के जो आप लोग सबमिट करना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव है, यूपी में नहीं था सीपीएमटी, तो उसने ये चांस लिया, लकीली आज वो डॉक्टर है, तो मतलब पढ़ने वाला था, ऐसा नहीं कि मतलब वैसे ही पढ़ा, लेकिन वो थोड़ा सा वहाँ पे दिमाग लगा, वक्त कम था उसके पास, 15 मिनट ही बचा था और लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस बचे थे, सोचा करेंगे तब तो होगा, नहीं छूटना ही छूटना, और उसको पता लगा नेगेटिव है नहीं, उसने करा क्या कि वो लास्ट के 20-25 क्वेश्चन में सब का बी लगा दिया, सब का, थोड़ा सा दिमाग लगा कि एक ही ऑप्शन सब में कर दिया, और उस 20-25 में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन का बी आंसर, उसका 10 से 12 मार्क्स इंक्रीज हो गया, और उससे वो केजीएमयू लखनऊ से पढ़ा, वहां से एमबीबीएस कर लेकिन तो वो वहां पे दिमाग लगा के सब अलग इस वक्त उसकी 10 से 12 क्वेश्चन के आंसर बी थी, क्योंकि जो मार्क्स आया तो खुद बोला था हमने इतना किए नहीं, ये दूसरे एक अपना एस्टीमेट आया 10-12 क्वेश्चन का आंसर,
लेकिन नेगेटिव नहीं था उसमें, तो उसमें नेगेटिव होगा तो पता चला बाहर सही रूप में गलत भी तो। चले आगे। अरे हम कोई गलत सीख नहीं दे रहे, आप लोग ऐसे मत करो। अरे समझ में आया, वो कौन सा वॉल्यूम कैंसिल हो रहा है बफर सॉल्यूशन का, अब कौन सा वॉल्यूम दिख रहे हो आप, इंडिविजुअल वॉल्यूम्स। नाइस क्वेश्चन। लेकिन इन अ मिक्सचर ऑफ weak acid and its salt, in a mixture of weak acid and its salt, in a mixture of weak acid and its salt, ratio of concentration of acid to salt, ratio of concentration of acid to salt is increased ये दिया है tenfold मतलब is increased, generally 10 times लिखते हैं but tenfold का मतलब भी वही होता है 10 गुना, is increased tenfold pH of solution L option है, increases tenfold pH of solution, decreases by 1, दूसरा ऑप्शन है increases by 1/10, increases by 1/10, third option is increases by 1, और फोर्थ ऑप्शन है increases tenfold, increases tenfold, fold का मतलब times, कर क्वेश्चन को बस ये वर्ड्स का क्लियरेशन है, वर्ड्स को ध्यान से समझिए। सॉरी increases by 1/10 increases first आ रहा है अब तो उसने सॉल्ट टू एसिड दिया है, एसिड टू सॉल्ट। अच्छा ये क्वेश्चन एसिडिक पावर का है या बेसिक पावर का, दिख रहा है क्वेश्चन में लिखा है कि एसिड एंड सॉल्ट, तो रिलेशन क्या होगा, this is equal to क्या होगा pKa plus क्या होगा log salt upon salt upon acid। अब तो उसने जो दिया है वो क्या दिया है, अब तो ये acid upon salt ये क्या हो रहा है 10 times यही हो रहा है ना, पहले जो था 10 गुना हो जा रहा है, नहीं तो एसिड अपॉन सॉल्ट अगर 10 टाइम्स है तो सॉल्ट टू एसिड क्या होगा 1/10, तो हमें क्या चाहिए सॉल्ट अपॉन एसिड चाहिए, तो हम यहाँ 10 लिखेंगे कि 1/10 और 1/10 लिखेंगे तो 10 पर माइनस 1 और वो माइनस आगे जाएगा तो pKa माइनस 1 पहले जो भी वैल्यू होगा अब उसमें क्या आने वाला है, मान लो पहले की क्या था टिश्यू 1 था, बोलिए यस सर, पहले 1 था अब क्या हो गया 1/10, तो जब ये 1 था तो pH बराबर pKa और 1/10 होगा तो pH बराबर pKa माइनस 1 मतलब डिक्रीज हो रहा है सर, और कितने से 1 से, और इसमें तीन ऑप्शन में इंक्रीज है तो ये तो होना चाहिए, होना डिक्रीज, कितने से डिक्रीज होगा 1 से, वो रेडी हो जा रहा है। उस
उसने दिया है एसी का तो आप शॉर्ट ही दिया 10 टाइम्स नहीं at certain temperature is 4.74 at certain temperature is 4.74 आगे लिखें the pH of 4.74 full stop आगे the pH of basic buffer the pH of basic buffer containing equimolar concentration of NH4OH and NH4Cl will be पहला है 7.74 सॉल्व करते हैं सब लोग दूसरा ऑप्शन है 4.74 थर्ड ऑप्शन दिया है 2.37 और फोर्थ ऑप्शन है 9.26 ये इक्विमोलर कंसंट्रेशंस का मतलब सेम मोलैरिटी का रेशियो 1 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे बताइए अच्छा उन्होंने ए दिया क्वेश्चन में या पी के दिया अच्छा बेस है ना के भी दिया है पी के भी दिया है क्वेश्चन बेसिक पावर का है बेसिक पावर है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे चलो सब लोग चलो आ गया क्वेश्चन किसका है एसिडिक बफर का या बेसिक बफर बेसिक बफर तो बेसिक बफर में तो पीओएच फाइंड आउट करते हैं पीओएच फाइंड आउट कीजिए तो पीओएच क्या होगा दिस इज इक्वल टू पी ए बी प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मैं बार बार रिलेशन लिख रहा था कि आपको ध्यान दें अपॉन बेस यही ना तो ये तो वन हो गया ये टर्म कितना जीरो वन हो गया ना इक्विमोलर यहाँ से पीओएच कितना आएगा पीओएच उन्होंने के भी दिया है पी के भी दिया है पी के भी दिया है 4.7 लेकिन हमें क्या बताना है जल्दी में ये आप टिक कर दोगे जल्दी में ये आप टिक कर दोगे क्या मैं आंसर यही तो पूछा था तो अभी आपको करना होगा
pH is equal to 14 minus 4.74. Again, करोगे तो आएगा 9.6. तो ये वो pH पूछा है. समझ रहे हैं भाई? हो जाएगा? चलिए आगे. हाँ, ये आप फिर क्वेश्चन लिखिएगा. क्वेश्चन के Ka for HCl. HCl weak acid है. Ka for HCl is 5 into 10 to the power minus 10 Ka for HCl is 5 into 10 to the power minus 10 at 25 degree Celsius. Close off the gate to maintain a constant pH of 9. To maintain a constant pH of 9, volume of 5 mKcl, KCl, potassium cyanide, volume of 5 mKcl solution. Five MKCl solution required to be added to 10 ml 2 m HCl solution. HCl is hydrogen cyanide. HCl solution. Question आ रहे समझ में? आप लोगों ने question किसका है? Acidic buffer है ना? HCl is a weak acid और इसलिए उसी का salt है strong base. ऐसा question अभी किया था पॉलिंग वाला. करो answer बताओ. K भी दिया है HCl. Log of सब involved होगा. यहाँ भी वॉल्यूम कैंसिल होगा. कौन सा वॉल्यूम? बफर सॉल्यूशन का. कौन सा वॉल्यूम देखेंगे? इंडिविजुअल वॉल्यूम्स, एसिड का भी और सॉल्ट का. करीब इजी है. हाँ, सॉल्व करना पड़ेगा. लॉग और तो
चैप्टर एंड पे आना चाहिए आपको, वैल्यूज याद होनी चाहिए, एंटी लॉग इन सब करना, ऑप्शन दे क्या ऑप्शन दे देते हैं ताकि आप ऐड ऑप्शन है और ML दूसरा ऑप्शन 7.95 ML थर्ड ऑप्शन ML और फोर्थ ऑप्शन जो है आगे अच्छा K दिया है, P के आपको फाइंड करना है, माइनस लॉग K है, P स्टैंड्स फॉर नेगेटिव लॉग आ गया है और फोर्थ ऑप्शन आ रहा है 9.3 पहला 4 ml थर्ड आ रहा है 2 ml आ रहा है रिलेशन क्या लिख रहे हैं पीएच बॉडी एक बार रिलेशन पीएच बराबर पी ए ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन ये सर यही ना बार बार रिलेशन लिख रहे हैं सॉल्ट अपॉन चलिए पीएच पता करना पीएच की वॉल्यूम पता करना पीएच कितना दिया अच्छा पी के कैसे आएगा तो के कितना है के है 5 into माइनस कितना है 10 है ना पी के क्या होता है के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग माइनस एस इन लॉग 5 माइनस 10 ऐसे कर दें यस सर लिख सकते हैं लॉग 5 कितना 0.70 माइनस 10 बाहर आएगा तो ये प्लस 10 हो जाएगा 10 माइनस 0.70 ये हो जाएगा 9.30 क्या आ गया पी के पीएच कितना दिया है 9 पीएच 9 है और पी के 9.30 प्लस लॉग फिर से यहाँ पे मोल्स पुट करेंगे सॉल्ट का मोल्स कैसे तो उसकी मोलारिटी इनटू उसका वॉल्यूम मोलारिटी बराबर फोर्स अपॉन वॉल्यूम मोलारिटी कितना है सॉल्ट का मोलारिटी 5 तो 5 इनटू 5 पी अपॉन एसिड कितना है 2 इनटू 10 तो 20 कर दे चलो 2 इनटू 10 लिखते हैं तो ये कितना v/4 ये 9 इज इक्वल टू 9.30 प्लस और ये लॉग v/4 को लिख सकते हो आप लॉग v माइनस लॉग 4 और 4 का मैग्नीट्यूड ये भी जानते हैं 0.60 पुट करेंगे यहां ये कितना आ जाएगा 9 इज इक्वल टू इधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा ये हो जाएगा कितना log v दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस 0.30 प्लस में 0.60 माइनस लॉग 4 उधर जाएगा प्लस लॉग 4 ये कितना आ गया 0.30 लेकिन ये आंसर नहीं है हमें तो v चाहिए ना तो v क्या होगा तो v दिस इज इक्वल टू हाँ lt log lt log कितना हाँ 0.30 ये कितना आएगा n to the power 0. ये कितना आ जाएगा 2 ml बोलो नहीं केमिस्ट्री नहीं है ये बस आपको कैलकुलेशन करना है लॉग ऑफ आना चाहिए
Answer is true. Are you again? कंसेंट्रेशन दिया उसने इसे का टू एल और वॉल्यूम कितना है मोस पता करेंगे ना मोलारिटी इनटू हो जाएगा नेक्स्ट देखो और क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं इंडिकेटर्स इसके बाद बचा है ठीक है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी बता दीजिए कहता है वो बफरिंग एक्शन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट इज मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम बफर कर दीजिए व्हेन द रेशियो ऑफ सॉल्ट टू एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट टू एसिड इज इक्वल टू एल ऑप्शन है 100 10 और 0.1 A certain acidic buffer solution. Contains equal concentration of X minus and HX contains equal concentration of X minus and HX. ठीक है आगे लिखिए KB for X minus is KB for X minus is KB for X minus is 10 to the power minus 10 KB दिया है 10 to the power minus 10 pH of buffer is KB for X minus is 10 to the power minus 10 pH of buffer is पहला है 4 दिया है ऑप्शन दूसरा है सेकंड 7 हां पीएच ऑफ बफर इज 4 7 10 और फोर्थ ऑप्शन दिया है 14 करीब पीएच ठीक है अपने करोगे यस सर AB for X minus is. ये जो वाला है
क्या हुआ रिलेशन बताइए तो pH this is equal to बोलिए अच्छा pH दिया है x और एसिडिक बफर है हमें क्या चाहिए हमें पहले रिलेशन लिख देता हूँ pKa plus log concentration of salt upon concentration of acid यही ना अब आप हमें ये बताओ हमें तो pKa चाहिए और pKa के लिए k चाहिए दिया है kb किसका x minus का kb किसका होगा hx का आप बताओ hx और x minus conjugate pairs हैं कि नहीं और conjugate pairs के लिए ka kb में कोई relation है तो वही वाली बात कर दी एक बार बताए ना आपको सब पढ़ा दिए क्वेश्चन के बोले कोई रिलेशन है कोई उनको बोलता है बहुत कॉन्फिडेंट नहीं सर नहीं सर क्वेश्चन नहीं होगा याद कीजिए पढ़ाया था आपको के ए इनटू के बी बराबर के एफ टू ये मैंने लिखवाया था दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर कंजुगेट पेयर्स तो यहां से एक रिलेशन लिख सकते हैं आप के ए into KB this is equal to KW अरे बोलो होगा yes or no तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमें क्या चाहिए K चाहिए K क्या होगा 10 to the power minus 14 ये देखने नहीं हो पता होता और KB कितना है 10 पर minus 10 ऊपर जाएगा K बचेगा 10 पर minus 4 होगा तो अगर के ए इतना तो पी के कितना हाँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू बताया था पी के कितना फोर पी के यहाँ नोट कर देंगे कितना आ गया ये फोर प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दिया है क्या इक्वल कंसेंट्रेशन किसका किसका एच एक्स का और एक्स माइनस सॉल्ट अपॉन एसिड वन हो गया ये लॉग वन कितना जीरो तो पीएच कितना आया कह रहे थे 14 आएगा अरे एसिडिक बफर का 14 कैसे आ जाएगा ये तो क्लीन हो गया हमारा ठीक है अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है इंडिकेटर्स बाकी क्वेश्चंस आपको करिए गाइड या मिल गया कैसे क्वेश्चंस आप पूरा था कांसेप्ट यूज हो गए अच्छा आप ऑप्शंस देखो एक ही ऑप्शन 7 से कम है
एक साथ है और बाकी सब साथ से है और क्वेश्चन में कह रहा है एसिडिक बफर समझ रहे बात को इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स में सबस्टांसेस which shows a color change, which shows a color change to indicate end point जहाँ पे खत्म हो 28 end point of acid base titration 28 end point of acid base titration कोई नया शब्द नहीं है रिएक्शन को ही बोलते हैं titration सॉल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़ा था complete incomplete neutralization ज्यादा है तो वो न्यूट्रलाइजेशन जो है एसिड बेस रिएक्शन उसी को टाइट्रेशन बोलते हैं एंड पॉइंट का मतलब जहां पे रिएक्शन कंप्लीट हो तो हमें कैसे बाहर से पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो इसके लिए हम किसको यूज करते हैं और वो कैसे बताते हैं एंड पॉइंट को तो कलर चेंज वो कैसे क्या होता है वो आगे देखते हैं सर में आए डेफिनेशन नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे नेक्स्ट वर्ड लिखेगा Next point, titration involves acid-base neutralization. Titration involves acid-base neutralization. ठीक है लिखेंगे टाइप्स इसके टाइप्स इंडिकेटर्स टाइप्स पहला हम देख रहे हैं एसिडिक इंडिकेटर और एसिडिक इंडिकेटर अच्छा एसिड कौन होता है वेज प्लस दे इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं इंडिकेटर के लिए आयन लिखते हैं और साथ में एच ठीक है एसिडिक इंडिकेटर इसका एग्जांपल है फेमस एग्जांपल है नाम ही आता है आप लोगों में फिनोलेथिलीन नाम सुना है फिनोलेथिलीन स्पेलिंग साइड से लिखना फिनोल और ये देता है H plus pH minus ये H pH होता है colorless और ये होता है दिस इज पिंक देख लीजिएगा अब यहाँ के सब बताएंगे पहले मेंशन करो H प्लस दे रहा है ये इसलिए इसको क्या बोलेंगे ये एसिडिक इंडिकेटर और कलर चेंज क्या है
तो अनआयनाइज्ड फॉर्म में कलरलेस है और आयनाइज्ड फॉर्म में अब किस समय कौन सा कलर होगा ये डिपेंड करेगा मीडियम पे. आप जानते हैं कि जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में भी एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल याद आ रहा है. कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में न्यूट्रल और इनकंप्लीट में याद आ रहा है अंडर एसिडिक और बेसिक. वो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से हम पता करते हैं कौन बचेगा. अरे बोलो जाएगा नेक्स्ट ये एसिडिक था दूसरा देखेंगे. सेकेंड वन इज आपको मिटा के लिए कितना है बेसिक इंडिकेटर. बेसिक इंडिकेटर को कैसे शो करते हैं तो ये इंडिकेटर का आई एन ओ एच और इसका एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज. नाम सुना है मिथाइल ऑरेंज. और मिथाइल ऑरेंज को शो करते हैं हम एम ई ओ एच. ये क्या देगा ये देता है एम ई प्लस प्लस ओ एच माइनस. एम ई ओ एच क्या होता है येलो और ये होता है एम ई प्लस ऑरेंज ऑरेंज है ये जो बेसिक इंडिकेटर है वो मीडियम को एच माइनस देगा और जो एसिडिक है वो एच प्लस. एवरी इंडिकेटर पहला पॉइंट लिखिएगा इस थ्योरी का. एवरी इंडिकेटर इज आइदर एवरी इंडिकेटर इज आइदर वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेस आपके पास फिनोफ्थलीन मिथाइल और इसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कार्बन कंटेनिंग ठीक है. अच्छा तो ये फिनोफ्थलीन अनआयनाइज्ड फॉर्म में कलरलेस है और आयनाइज्ड फॉर्म में ग्रीन है. मिथाइल ऑरेंज अनआयनाइज्ड फॉर्म में येलो है और आयनाइज्ड फॉर्म में ऑरेंज है. देखो आयनाइज्ड फॉर्म में कलर डार्कर है अरे ऑरेंज रेड इज डार्कर देन येलो यस और नो. तो हम ये दूसरा पॉइंट सुनिएगा ध्यान से. कोई भी इंडिकेटर उसका अनआयनाइज्ड फॉर्म लाइटर होता है और आयनाइज्ड फॉर्म डार्कर. दूसरा पॉइंट की
An indicator is, दूसरा पॉइंट है, an indicator is lighter in color. An indicator is lighter in color in unionized form, lighter in color in unionized form, and darker color in ionized form, and darker color in ionized form, and darker color in ionized form. तीसरा पॉइंट पहले देख लीजिए, ये सुनना लिखिएगा. थर्ड पॉइंट इसी के लिए an indicator shows a particular color. In acidic medium, and a different color in basic medium, due to common iron and odd iron effect. ये क्या है, देखो, common iron odd iron तो जानते ही, due to common iron and odd iron. तो आप देख सकते हो indicator जो है वो रंग बदलता है, रंग सबसे पहले बात कर रहे हैं pH, और अगर ये weak है तो ये क्या देगा, ये देगा H+, बात मत करो, pH- देख रहे हैं in acidic medium. आप बताओ फिनोफ्थलीन इस तरह से आयनाइज होगा, अगर मीडियम एसिडिक है मतलब उसमें पहले से H+ है, अरे बोलो तो ये H+ और ये भी H+ दे रहा है, तो H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, लीच इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, जब बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो किसी गिवन टाइम पे इसका कंसंट्रेशन इसके कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा, और अगर इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा तो कलर भी इसी के हिसाब से, और ये था कलर फेस, यानी एसिडिक मीडियम में फिनोफ्थलीन कौन सा कलर देगा, कोई कलर नहीं देगा, कलर कलर फेस नहीं होता, कलर फेस क्या कलर समझ रहे, कौन सा कलर देगा, कलर फेस नहीं, कलर फेस तो बताइए, अगर मीडियम एसिडिक है इसका मतलब क्या होगा, इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा, H, pH का कंसेंट्रेशन इससे ज्यादा होगा, pH- बोलो, अगर इससे ज्यादा होगा तो कौन सा कलर देगा, ये क्या होगा, कुछ लोग और डिस्प्यूट कर रहे हैं कि व्हाइट कलर है कि नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा,
आप इतने शोरूम में जाते बोलते हैं व्हाइट कलर का शर्ट बोलते हैं वो एक्सटेंडेड पेंट क्या करेंगे अरे देखो इसको अरे समझ में आ रही है रीजन क्या देंगे कॉमन आई ये एसिडिक मीडियम की बात है हो गया एसिडिक हो गया तो लग गया बेसिक भी देख लेते बेसिक मीडियम तो मीडियम पहले से क्या है अरे बोलो OH माइनस अच्छा आप बताओ अगर OH माइनस मीडियम में है तो वो इस H प्लस से कंबाइन करेगा और डायनिक है और कंबाइन करेगा तो इसका कंसंट्रेशन कम होगा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो इस बार किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा OH माइनस तो इस बार ये कौन सा कलर होगा समझ में आया yes, यानी कहीं ना कहीं मीडियम पे डिपेंड करता है इंडिकेटर का कलर के मीडियम कैसा yes. एसिडिक मीडियम होगा तो आया का क्वेश्चन है कि एसिडिक मीडियम में फिनोफ्थलिन कौन कलर देता है तो ऐसे रट के जाओ तो आप भूल जाओ ठीक है और बेसिक मीडियम में मिल गया पेन हो जाएगा पूरा लिखना है तो वही मैंने वो पॉइंट लिखा है देखिए कोई भी इंडिकेटर है वो कौन सा कलर देगा ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मीडियम अगर एसिडिक है तो कोई और कलर और सेम इंडिकेटर बेसिक मीडियम में कोई और कलर ठीक है और इसका रीजन है कॉमन आयन एंड सारी बात थैंक यू